क्या बोल दी पब्लिक, मैग्नेट भाई फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया है। तो भाई लोग आज के वीडियो में ना अपन बात करेंगे मुनव्वर फारूकी के ऊपर, उनके गर्लफ्रेंड्स के ऊपर और उनका जो भी बिग बॉस में चल रहा है, पूरा बिग बॉस के बारे में बात करेंगे कि बिग बॉस के अंदर क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे सिचुएशन में फंस गए हैं और अभी करंट सिचुएशन क्या है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आते हैं अभी मुनव्वर फारूकी के ऊपर दोस्तों। तो कलर्स टीवी का जो यूट्यूब का चैनल है उसने रिलीज़ किया है कि जो आयशा है, जो बिग बॉस में एक नई कंटेस्टेंट है, जिनकी हिस्ट्री है मुनव्वर फारूकी के साथ। तो दोस्तों हुआ यह है कि आयशा खान जो है, जो नई कंटेस्टेंट है बिग बॉस 17 की, वो बोल रही है कि अपना जो मुनव्वर फारूकी है उसने मेरे साथ दगा की है, एक ही टाइम में दो लड़कियों को डेट कर रहा था और मेरे साथ भी धोखा हुआ है, सामने वाले के साथ भी धोखा हुआ है, ऐसा सब बात चल रही है। और ये सब जो भी पूरा झोल हो रहा है ना वो बिग बॉस के अंदर हो रहा है, बिग बॉस फुल मसाला दे रहा है। पहले मुनव्वर फारूकी बहुत अच्छे चल रहे थे बिग बॉस के अंदर, वो अपने जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे और ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे थे, ऐसा कुछ ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया था। लेकिन बिग बॉस ने क्या किया, बिग बॉस ने एक नई कंटेस्टेंट को लाया जो बोल रही है कि मुनव्वर फारूकी ने मेरे साथ ऐसा 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 किया है। अब जब मुनव्वर फारूकी और वो जो नई कंटेस्टेंट है आयशा खान, वो जब आमने सामने आए स्टार्टिंग में तो कुछ बात हुई और उसके बाद जो अपने मुनव्वर फारूकी उनका पूरा ब्रेकडाउन हो गया, इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। अब उसके बाद बिग बॉस ने, मैं जैसे आपको बताया कि बिग बॉस ने एक नई क्लिप रिलीज़ की है कलर्स टीवी का जो अपना यूट्यूब का चैनल है वहाँ पे, कि आयशा ने रिजेक्ट कर दिया मुनव्वर की अपोलॉजी, मतलब मुनव्वर ने सॉरी बोला होगा, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं उस वीडियो को देखता हूँ और उसके बाद मैं फिर अपना रिएक्शन और अपना रिव्यू देता हूँ और भी बातें करेंगे कि मुनव्वर फारूकी के लाइफ में क्या चल रहा है, बिग बॉस से रिलेटेड ही बात करेंगे, मतलब उसके अंदर क्या चल रहा है, बाहर की बात हम लोग नहीं करेंगे, जो अंदर देख रहे हैं उसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं हेडसेट लगाता हूँ और ये हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये स्टार्ट हो गया है। इफ योर सॉरी इज ओके टू मी, नो इट इज नॉट। मैंने अपनी जिंदगी में क्या ऐसा गलत किया था कि मेरे साथ इतना सब कुछ होना हुआ? यू डू हैव नो आइडिया कि बाहर लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। इतना सब कुछ होना हुआ, मुझे पता होता ना उसके बाद ये हो रहा, मैं उसे विश्वास करके चलेगा। मेरे को चाहिए कि तुम मेरे को माफ कर दो। तेरे को बुरी से बुरी जगह पे मैंने इज्जत दी थी कि तू बुरी से बुरी जगह पे था, बट मैंने तेरे को वहाँ पे इज्जत से नवाजा था ना, आज तू अच्छी जगह पे ना, देख मैं तेरे को जिल्लत से नवाजता, मेरा ऊपर वाला कर रहा है। You just need to understand one thing, that bahar jaake you have to be sorry to one person. I can't believe Munawar, it's not like aapke paas tareeke nahi hai, tehzeeb nahi hai, har cheez hote hue zimmedar sirf main hu. Pura emotional breakdown hone lagta hai. You send me home. तो पब्लिक, ये जो कलर्स टीवी का अपना जो छोटा सा क्लिप था जिसके अंदर बताया कि किस तरीके से मुनव्वर फारूकी जो हैं वो आयशा खान से माफ़ी मांग रहे हैं, किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, आप समझ ही चुके रहेंगे कि वो जो पूरी बात हुई है कि आयशा खान बोलती है कि वो मेरे साथ भी है और किसी और के साथ भी है, तो एक टाइम पे डबल डेटिंग हुई है, ये सब जो बात हुई है उसके ऊपर ही लगता है कि मुनव्वर फारूकी माफ़ी मांग रहे हैं। और उसके बाद एक जो दूसरा क्लिप था उसके अंदर आप देख सकते हो कि थोड़ी ज़्यादा उनकी डिस्कशन को बताया गया है और उसके अंदर डिस्कशन में क्लियरली पता चल रहा है कि मुनव्वर फारूकी बोल रहे हैं कि ऊपर वाले ने मेरे को अच्छे से नवाजा था, लेकिन जिल्लत भी वहीं पे दे रहा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पब्लिक देख रही है। बोलने का मतलब यह है कि कुछ तो गलत हुआ है, मुनव्वर फारूकी ने कुछ तो गलत किया है, उसी की वजह से आज उनको ऐसी जिल्लत देखनी पड़ रही है। लेकिन अगर वो माफ़ी मांग लेंगे और जो आयशा खान है वो उनको माफ़ कर देगी और जो दूसरी पर्सन है जो बाहर है अगर वो दोनों माफ़ कर देंगे और ये जो पूरा इनका जो एपिसोड इतना बड़ा चल रहा है अगर वो खुशी खुशी एक दूसरे से बात करके सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन इस बीच बिग बॉस में फुल ऑन टीआरपी मिल रही होगी, पब्लिक देख रही है बिग बॉस को, ये जो पूरा झगड़ा चल रहा है अगर ये दोनों मुनव्वर फारूकी और आयशा जो है कंटेस्टेंट है अगर वो एक साथ होकर खेले तो क्या मज़ा आ जाएगी, और बाहर भी उनका जो इशू है वो भी सॉल्व हो जाए थर्ड पर्सन से तो क्या और ही बात है, तो और बहुत ही मज़ा आ जाएगी। पब्लिक तो मैं इतना बोलना चाहूँगा कि बिग बॉस 17 के अंदर मुनव्वर फारूकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है,
अब आयशा खान जो है उनकी एंट्री हो गई है और ये दोनों का जो पूरा हो रहा है अगर वो सॉल्व हो जाए और आयशा खान भी बहुत अच्छी कंटेस्टेंट होगी तो कितना मज़ा आ जाएगा, पब्लिक बहुत ही मज़ा लेगी। बिग बॉस 17 की जो पब्लिक है उसको तो बहुत ही इंटरटेनमेंट मिलेगा और जो बाहर थर्ड पर्सन है उसके साथ भी पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए, बाहर की बात बाहर ही रहना चाहिए। अंदर जो गेम के अंदर कर सकते हैं जीतने के लिए जो भी टास्क होता है, जो भी पॉलिटिक्स होती है वो सब करें, लेकिन बाहर की बात अंदर नहीं आनी चाहिए। तो ओवरऑल दोस्तों मेरे को लगता है कि मुनव्वर फारूकी ने तो माफ़ी मांग ली है और जो सेकंड कंटेस्टेंट है आयशा खान उनको भी माफ़ कर देना चाहिए और खुशी खुशी इनको बिग बॉस में आगे बढ़ना चाहिए और जो भी बेस्ट पर्सन होगा वो बिग बॉस 17 जीतना चाहिए। अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना।